हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। इज थ्री टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ये हमारे पास है। एंड द थर्ड साइड, इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। हाँ भाई, आपसे कह रहे हैं द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड माइनस 2। ये मेरे पास है। तो आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है, थर्ड साइड है, तो शॉर्टेस्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। लेट शॉर्टेस्ट साइड भी एक्स, तो ये हो जाएगा 3x। जैसे यूसुफ ने कहा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। हमारे पास जो मेन पार्ट है, जो गिवन है, वो आपसे कह रहा है गिवन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61। तो ये एक लाइन है बस, जो सही है, पेरीमीटर इज एट लीस्ट दिया, एट लीस्ट 61। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, एक्स प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। अब आपको सोचना है कि एटलीस्ट का क्या मतलब है। तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 61 है। मतलब भाई कम से कम का मतलब या तो ये 61 है या फिर 61 से ज्यादा है। कम से कम 61 है, तो 61 या उससे ज्यादा। तो अगर इन दोनों सिंबल्स को मिलाते हैं, मोर देन और इक्वल टू को, तो जो हमारा सिंबल बनता है उसे हम कहते हैं मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू। ये तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो शायद ये आ जाएगा 7x, 9, और ये आ जाएगा 63। तो फाइनली x आ जाएगा आपके पास 9। इस तरह से तो हमसे क्या कहता था, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो मिनिमम हमारे पास जो है वो 9 आना चाहिए। सॉरी, तो ये मारा, नोट करो जरा इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवाज नहीं मिलते।